So after discussing this thing, how this material world is miserable, so today we are going to discuss that how this material world is कि बहुत ही जगह किस प्रकार से टेम्पररी मतलब अशाश्वत है, इसके बारे में मॉडल करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसको आप टाइटल दे सकते हैं आध्यात्मिक जगत वर्सेस भौतिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड, उसके बारे में वर्णन है। तो सबसे पहले भौतिक जगत के बारे में बताया गया है। भौतिक जगत, एक पर्टिकुलर भौतिक जगत में क्या होता है, तो किस प्रकार दिन रात्रि कैसी होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बता रहे हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हय ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रम देहो रात्रि भोजना। तो मानवीय गणना के अनुसार, मतलब पृथ्वी लोक के गणना के अनुसार, 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का दिन बनता है। एक युग मतलब इसमें चतुर्युग आते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। ठीक है, तो ऐसे 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर कैसे होते हैं कि अगर 24-12 घंटे होते तो एक दिन, 12 घंटा नाइट, और मतलब दैट डिपेंड्स वेयर इज बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। सो इफ यू आर एग्जैक्ट ऑन इक्वेटर और लिटिल बिट बिलो, देन सिंस अर्थ इज टिल्टेड 23.15 डिग्री, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्टली वेयर इट्स 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट, बट लेट्स से यू नो इट इज लाइक दैट। सो ब्रह्मास वन डे इज 1000 चतुर्युग, सेम इज द नाइट। उसका कैलकुलेशन दिया है, एक चतुर्युग में क्या आता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और तो एक कलयुग में कितने अर्थली ईयर्स होते हैं, उसकी कैलकुलेशन दिया गया है। तो एक चतुर्युग में शास्त्रों के हिसाब से 4,32,000 साल होते हैं, और द्वापर युग कलयुग के जितने साल है उसको डबल कर दिए तो वो द्वापर युग बनते हैं। त्रेता युग कलयुग के जितने साल है इसको 3 गुना कर दीजिए कलयुग के, तो यहाँ पर है ये रहा कलयुग 4,32,000, उसको द्वापर युग उसके 2 गुना है, त्रेता युग कलयुग का 3 गुना है, सतयुग द्वापर का कलयुग का 4 गुना है। तो एक चतुर्युग में टोटल 43,20,000 ईयर्स होते हैं। तो इस प्रकार से एक चतुर्युग बनता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग मिलेंगे ब्रह्मा का एक दिन बनता है, मतलब 43,20,000 ईयर्स इंटू 1000, तो इट्स लाइक 4.32 बिलियन ईयर्स इज वन डे ऑफ ब्रह्मा, एंड सिमिलर इज द नाइट, 8.64। तो ब्रह्मा जी बेसिकली उसकी एक दिन होता है 4.32 बिलियन अर्थ ईयर, बिलियन, एंड नाइट इज 4.32 बिलियन अर्थ ईयर्स। इसको भी चलो ये तो हो गया दिनों में, कितना मनवंतर के हिसाब से बोलते हैं ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु 71 महायुगा, महायुगा तो चतुर्युग भी बोला गया है। ठीक है, तो 71 चतुर्युगा होता है, बस इक्वल टू 71 × 40 = 14, देन इट विल बी 994 चतुर्युगा, वेयर आर द 6 चतुर्युगा, सो देयर आर सम ट्रांजिशन पीरियड। तो प्रत्येक मनवंतर के पहले और बाद में एक संध्या काल आता है, 4 कलयुग का संध्या काल आता है।
एक सचिव की तरह संध्या काल आता है, तो प्रत्येक मन्वंतर के पहले इस प्रकार से आप हिलेंगे तो करीबन हो जाता है 15 संध्या काल। इस प्रकार से 1000 महायुग आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हो गई गिनती। तो ऐसे ब्रह्मा जी एक दिन और एक नाइट मिला के टोटल 360 दिन और 360 रात होती है। तो उनका जो आयु है 311 ट्रिलियन मानवीय वर्ष, ठीक है। इसकी गिनती जीवन काल है। और ब्रह्मा जी, हाँ तो सॉरी, इसका इतना एक साल होता है और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, तो ये होगा 311 ट्रिलियन। तो 311 बिलियन ईयर था, 311 ट्रिलियन ईयर इतना ब्रह्मा जी का आयु होती है। हमारे कंपन में बहुत ज्यादा है, इस प्रकार से यहाँ पर गिनती की गई है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी, हाँ ब्रह्मा जी की आयु ज्यादा है, लेकिन वो भी जन्म मृत्यु जरा रोग क्रिया से अच्युत नहीं होते। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते, इसलिए भगवान की प्रत्येक सेवा में लगे रहते, फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती। यहाँ तक कि संध्या सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मा लोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्म लोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरण से होते हैं, उनका मृत्यु भी होता है। फिर आगे बता रहे हैं, तो ये हो गया दिन की बात हो गई, अभी रात की बात कर रहे हैं। बोलते व्यक्ता व्यक्त सर्व प्रभवंती हर आगमे रात्रि आगम फलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संगके। मतलब ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, पर फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे रात्रि दिन बता दी, और ब्रह्मा जी तो यहाँ पे बता रहे, जब ब्रह्मा जी का दिन आते हैं तो जीवात्मा व्यक्त हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और जब रात्रि आती है तो क्या होता है, दे बिकम अनमैनिफेस्टेड, और यू कैन से दे बिकम इनर्ट, और दे एंटर इन डोरमेंट स्टेट। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का रात्रि आता है तो सतयुग तक पूरा, सतयुग के नीचे के लोग तक पूरा पानी से, दे गेट इनंडेटेड विद द वाटर, दे आर इनंडेटेड विद वाटर। तो बेसिकली तीन का प्रकार के प्रलय आते हैं। एक है क्या बोलते हैं, मनु का, मनु की आयु समाप्त होती है तब वो 71 से तुरु घूमते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का रात्रि आती है तब, और तीसरा है जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होती है तब, तो वो महाप्रलय हो जाता है, मतलब वो पूरा यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और एक चतुर्युग से जब समाप्त होता है तब एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है। जैसे कभी कभी हम साइंस में पढ़ते हैं कि हाँ ये जो आदमी है डेड बॉडी है, हाइड्रोकार्बन जमीन में चले जाते हैं, उसकी वो नेक्स्ट तो बहुत समय के बाद वो क्रूड ऑयल बन जाते हैं। कलयुग के अंत में इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि अंत में बहुत कुछ समय के लिए क्या होगा, कोई मनुष्य जीवन रहेगा नहीं, तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा। जो प्लास्टिक वगैरह है उस समय पे क्या हो जाते हैं, दे टेक्स ऑलमोस्ट 400 ईयर्स टू बी नेचुरली रिसाइकल। इस प्रकार से इनका ये सब चीजें एक तरह से देखो साइंस के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं, भूतग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, आई थिंक श्लोक कर दिया। रात्रि आगम है वह पार्थ प्रभो, हर आगम में तो बता रहे, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे चीज प्रकट होते हैं, पर ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे
असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो अल्पा ज्ञानी पुरुष पृथ्वी में प्रकट होते हो जाते ना, वो असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बनाए रहना चाहते हैं, उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस जगह लोक पर आना पड़ता है। तो कितने भी लोक में जाओ, भौतिक लोक सत्य लोक तक जाओ, लेकिन सबका नाश होता है। हाँ, उनका नाश का समय अलग हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा के दिन होने पर इस जगत उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा के राज्य होते हुए नष्ट हो जाते हैं, जिनमें उन्हें भौतिक कार्यो के लिए नाना शरीर प्राप्त होता है, नाना मतलब विविध प्रकार का, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। तो अब तब प्रलिये दिन के समय में प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोगत जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं, महाविष्णु में वो चले जाते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत इसीलिए अभी क्या है, अभी तक ये भौतिक जगत का वर्णन किया, उसका सृजन होता है और नाश होता है, आध्यात्मिक जगत का वर्णन करेंगे भगवान यहाँ पर। तो बता रहे परस्तस्मस्तु भावो अन्य अव्यक्तो व्यक्ता सनातन सर्वेषु भूतेषु मुच्यते न विनश्यति। बोलते हैं कि भौतिक जो है नाशवान भौतिक है, दुख पूर्ण जो भौतिक जगत है, उसके अलावा उसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जिसका नाश नहीं होता, जो शाश्वत है और इस व्यक्त अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहाँ पर श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली, यह परा और कभी न नाश होने वाली है, श्रेष्ठ। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, आध्यात्मिक जगत का कभी नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है, यह इस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या सातवें में हमने चौथे और पांचवें श्लोक में देखा था। इस प्रकार आगे भी बता रहे और वर्णन कर रहे, अव्यर्थो अक्षर इति युक्तस्तु आहु परमां गतिं प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जिसे वेदांत अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम। और यहाँ पे बता रहे यम प्राप्यम निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो दो श्लोक आते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम और यम प्राप्य निवर्तन्ते तद धाम परमम। उसको हम डायरेक्टली देख नहीं पाते भौतिक जगत में, इसलिए उसको अप्रकट बोलते हैं, और उसका कभी नाश नहीं होता जिस भौतिक जगत में नाश होता है, जिसमें उसको अविनाशी कहा गया है। दैट इज परम गंतव्य, मीन्स इट्स अ सुप्रीम डेस्टिनेशन, और उसके पास वहां जाने के बाद वापस नहीं आता और कोई वापस नहीं आता, और वो भगवान का परम धाम। ब्रह्म संहिता में भगवान तो परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है,
भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, वहां पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें फल कल्पत रूप कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गायें भी है जिन्हें सुरभि गाय कहा जाती है, और वे अनंत दुग्ध देने वाले, मतलब गाय बहुत अनलिमिटेड मिल्क देती है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मी आए। चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प लक्षा वृते सुर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सतसम तमस्यव्यमान गोविंदमादि पुरुषंतम। इस श्लोक का वर्णन कहा गया है। व्यास जी भगवान गोविंद का समस्त तारों का कारण कहते हैं। परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण है। भगवान वंशी बजाते रहते, वेणु कनंतम अरविंद दलायताक्ष परावतम समस्तितम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शुभम गोविंदम आदि पुरुषोत्तम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल अरविंद दलाय तक्ष, उनके नेत्र कमल दलों के समान है। भरावतम समस्तितम बुद्ध सुंदरांग, उनके शरीरों मेघों का वर्ण है, इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात कर देता है। वे पित्त वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने नीच धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट यू नो ही हैज गिवन ग्लिम्स जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जिसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बता रहे कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। तो एक बार वहां पहुंच कर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलक वृंदावन की प्रकृति इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब 100 मील नॉर्थ 10 मील जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इस भूमि पर जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले की 84 वर्गमील में फैला हुआ है क्रीड़ा की स्थिति तो दैट वाज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल गोलोक वृंदावन दैट वे यू नो ही हैज गिवन द ग्लिम्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टिल ही से ना हाउ वी कैन अटेन सो ही इज मेंशनिंग इन दैट वर्स आफ्टर no, describing about material world and spiritual world. So material world is full of miseries and it's temporary. But the spiritual world is Sachidananda, where all the desires are get fulfilled. So that's why there is no misery. Misery means our desire is not getting fulfilled. That is called misery in a way. And there is a death, but spiritual world, there is Chintamani. It's like a Chintamani. Made of Paras money, whatever you desire, you will get it. And it's permanent, eternal. So that's description will come. Now, how we can attain from, how can we migrate from material world to spiritual world? That is mentioned here. Of course, he has already mentioned about how yogi can migrate from material world to spiritual world. Bhakta yogi can migrate from material world to spiritual world. How anyone can do that, it's already described in Bhagavad. Again, he is mentioning that. Again, he is glorifying bhakti here. To glorify bhakti is again talking this verse. Specific word bhakti is given here. Bhakta ya. Okay. So, although he has described, but to emphasize bhakti, he is mentioning here that purusha sa para partha bhaktya labhyas tu ananyaya. So if you see
In this chapter, Krishna has spoken three times Ananya words, Ananya. So one is 8.7, Ananya Chetasa. So there he says, सॉरी 8.8 अभ्यास योग युक्त है ना चेतसा ना अन्य गाविन सो वी शुड बी अनडेविएटेड सो हियर इज टॉकिंग भक्ति अनन्य एंड ही इज हियर सेइंग ना अन्य गाविन सो यू शुड नॉट गो एनीवेयर यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब ओके योर कॉन्शियसनेस शुड नॉट बी डिस्टर्ब सो इट्स नो अन्य गामिना सो हियर इज टेकिंग टॉकिंग अबाउट इट्स नॉट बी डेविएटेड Again, he talks in the verse number 14 that Ananya Chetasa. So there he has mentioned the word Ananya. Ananya Chetaha. So without deviation. So in the 8.8, he used opposite word of Ananya. Ananya Gamina. So here he is speaking again. Verse number 22 is again giving Ananya. I think so many times he speaks about that in 13 chapter only. So Purusasta Paraparta Bhaktya Labhyastu Ananya Yasyantastani Bhutani Yena Sarva Mitritam. Bhagwan jo sabse mahan hai Ananya Bhakti Dwara hi prapt kiye ja sakte. अनन्य भक्ति केवल भक्ति व्हाट इज अनुकूल Mishra Bhakti, it should not be Gyan Mishra Bhakti, it should not be Yoga Mishra Bhakti. Bhakti should be performed just to please Krishna. That is called Ananya Bhakti. And of course, it should not be worshiping other demigods, other human beings, only Krishna. So Bhakti means for Krishna. So that's what Bhagwan, jo sabse mahan hai, anya bhakti dwara hi prapt kiye ja sakte hai. यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है ऑल्दो ही इज ऑलवेज यू नो साइमल्टेनियसली स्टेज इज इन इन अवर ओन अबाउट इन स्टेज इन द मटेरियल वर्ल्ड ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ सो बेसिकली एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन सो एज वी नो दैट वी हैड डिस्कस इन सेवन चैप्टर कृष्णा एक्सपांड्स इन बलराम एंड फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ही एक्सपांड एज द राधा रानी From Balram comes Sankarsan Pradyumna Nirud. From Sankarsan comes Narayan. From Narayan comes Sankarsan Pradyumna Nirud. From Sankarsan comes Mahavishnu. From Mahavishnu comes so many universes, and each universe enters the Garbhodakshya Vishnu. And from the navel of Garbhodakshya Vishnu comes Brahmaji. And in that navel, there is a 14th planetary system, and from that 14th planetary system, Krishna again expands the Shirodakshya Vishnu. So all these Shirodakshaya Mahavishnu and Garbhodakshaya Vishnu, of course, Sankarsana Pradyumna Niruddha, Narayana, Sankarsana Pradyumna Niruddha, they are expansion of expansion. Means, what is the expansion of expansion? Krishna's first expansion is Balram, and they all expanded from Balram. So they are called as expansion of expansion. So the Sanskrit terminology is Vaibhav Prakash. Sorry, not Vaibhav Prakash. Prabhav Prakash. So, Prabhav Prakash means what? That you can say that, of course, you know, Tattva is, you can say they act, everything is similar, or you can say they are similar, but they are looking different, or they are acting differently. But they are similar. They can act exactly similar way. But the look is different, or they are acting differently intentionally. So that is called Prabhav Prakash, and another is Vaibhav Prakash is
know that Krishna expanded as a, what should I say, the Ras Lila. So it was direct expansion of Krishna. And he was Chaitanya Mahaprabhu, when Rasyatra was going on, he expanded himself in 7 different forms. So it's a direct expansion. So they are called expansion. I think there are another example of them is Vaibhav Prakash is Dwarka, when Krishna married 16,100 queens. So he simultaneously expanded similar color. He looks exactly same. Activity he performs similar. What he was doing, he was marrying. Parallelly, 16,100 queens he was marrying. Of course, then he was doing, of course, activity was being different, but he was looking similar. When, you know, Narad Muni visits Dwarka to see Krishna's daily activity and how he is pleasing all his things. So these are direct expansion of Krishna. They are considered as a Vaibhav Prakash. These are Sanskrit communities. So they are expansion of Krishna, whereas Sankarsana Pradyumna Niruddha Vasudev Narayan Mahavishnu, they are expansion of Krishna. Expansion of expansion of Krishna. So that is the difference. Okay, so that way Krishna is explaining here that so I was talking about this thing. So although Krishna is present, Krishna uske dham, unke dham mein hai, so parallel यहाँ पर रहते हैं भौतिक जगत चलाने के लिए. शिरोधक से विश्व बनकर, गर्भोदक से विश्व बनकर, महाविश्व बनकर रहते हैं. तो एक महा एक विश्व तत्व के एक नाम है इंद्र. गणेश भी एक विश्व तत्व का नाम है, क्योंकि जो भौतिक जगत की इंद्र है और गणेश, उनको नाम भी उधर से मिला है. ठीक है, तो ये तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वहां परम पुरुष कृष्ण का धाम है. कृष्ण का धाम है. ब्रह्म संहिता में इसे परम धाम को आनंद चिन्मय रसा कहा गया. आनंद चिन्मय सदु चला विग्रह से गोविंद आदि अंगानी यश सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यंती पानती कल्याणती चिरम जगानती आनंद चिन्मय सदु चला विग्रह से. जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है, जितने भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इस परम आनंद का गुण है. वह कुछ भी भौतिक नहीं है. यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती रह जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है. जैसे कि सातवें अध्याय में बताया गया है, जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त है. किस प्रकार वे अपने परा तथा पराशक्ति द्वारा सर्वत्र है, उसके बारे में और चर्चा हम लोग में करेंगे. भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं भगवान. भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड उपस्थित रहते हैं. यस्य अंतस्थानी का अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है. इन दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है. कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोक में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है. किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है, तो अनन्य इसलिए बताया गया है. भक्तिया लभ्यस्व अनन्य. Okay, so we cannot achieve that supreme destination by any other method. So Vedo mein Gopal Tapni Param Dham ki tatha Bhagwan ka varnan milta hai. Eko vachis varga kichwa. Us dham mein keval ek Bhagwan rehta hai jiska naam hai Krishna. Woh atyant dayalu vigrah hai. Aur ek roop mein sthit hokar bhi woh apne ko lakho swanso mein swansa matlab samajh gaya na, विस्तृत करता है. वेदों में भगवान की उपमा उस शांत रूप से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर भगवती रहती. वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांस चतुर्भुज है और विभिन्न नामों से व्याख्यात है. भगवान के स्वांस मतलब विष्णु तत्व.
पुरुषोत्तम त्रिविक्रमा केशव माधव अनिरुद्ध ऋषिकेश कृष्ण प्रद्युम्न श्रीधर दामोदर जनार्दन नारायण वामन पद्मन आदि। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते किंतु सर्वव्यापी तथा ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलाते रहते गोलोक एवं निवसति अखिलात्मक। वेदों में कहा गया है पराशर शक्ति विविधे व सूयते स्वभाव स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, उनकी शक्ति इतनी व्यापक है कि परमेश्वर के दूरत होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि से सब कुछ सुचारू रूप में संचालित रहता है। तो भगवान की बहुत सारी शक्ति है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर चर्चा की डिस्क्राइब किया गया है, संक्षिप्त में डिस्क्राइब किया गया है कि भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत कैसा है, और हाउ कैन वी माइग्रेट फ्रॉम, हाउ कैन वी फ्लाई टेक ऑफ फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड एंड लैंड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो वी डिस्कस अबाउट दैट। सो थैंक यू वेरी मच। सो टुमारो विल कंक्लूड दिस चैप्टर। हरे कृष्णा प्रभु जी। So I think